इतिहास के मुताबक जेड़ी दमड़ी की कहानी है वो तो है ही है। गुरु प्यारी सा संगत जीओ, एक बार कुंभ का मेला आया। उन्हां दिनों दे विच सतगुर रविदास जी चाला बाई दे कोल चित्तौड़गढ़ गए हुए सन। इस कारण गुरु जी कुंभ दे मेले ते ना पहुँच पाए। सारे लोगों ने कुंभ ते स्नान किया, घरां नूं परत के चले गए। एक दिन माता गंगा जी सोचन लगे, सारे लोग आए, मेरे सहनसा सतगुर रविदास जी क्यों नहीं आए। मन दे विच विचार आया, क्यों ना मैं गुरां जी नूं मिल ही आंदी हाँ। गंगा माता ने एक इस्त्री दा रूप बनाया। इत्थे एक सवाल उठदा है कि ये गंगा ये दरिया बनारस चला गया? नहीं, गंगा एक ताकत है जो भगीरथ ने भगती करके प्रभु तो हासिल कीती सी। उसका नाम गंगा है, जिस दी तस्वीर सामने बनी हुई है, वो देवी दी, वो शक्ति दी। गंगा माता ने गुरु जी दे कोल चले गई। सतगुरां ने देखिया माता गंगा जी आए ने, आसन दे के बिठाया। कहन लगे, माता जी बड़ी परउपकार, अज कीड़ी दे कारण रहन। माता गंगा जी कहन लगे, मेरे मन च सोच आई, मैं मिलन वास्ते चली आई। कुंभ दा मेला होया, सारे लोग आए, लेकिन तुसी नहीं आए। लखां ही लोग उत्थे कुंभ दे स्नान ते पहुंचे। सतगुर रविदास जी कहन लगे, माता जी अगर लखां ही लोग कुंभ दे स्नान ते पहुंचे हन, उन्होंने पेटा चढ़ाइया हन, अगर उन्होंने नाल तुहाडा मन नहीं प्रसन्न होया ते मैं एक निमाना जिहा आदमी एक होर हो जांदा ते उहदे नाल की होना सी। तो माता गंगा जी ने जवाब दिता, ऐ सतगुर जितने भी लोग आए वो मेरे च पाप लाउण वास्ते आए, पर मेरे पाप उदों ही लथदे ने जदों तुहाडे वर्गे महापुरश मेरे च अपने पवित्र चरणां नूं पाउंदे ने। आप दा रहबर, आप दे पैगंबर च ये ताकत हुई है कि गंगा माता भी उन्हां दे दर्शनां नूं, उन्हां दे चरणां दी तूड़ी नूं तरसदी रही। उस महान रहबर दा आप जन्मदिन मना रहे हो और उन्हां दे नाम च आप चुभियां लगा रहे हो। संतां महापुरशां ने एक बड़ा वड्डा उपराला कीता। जेड़ा कुंभ दा मेला है वो 12 साल बाद आया करदा सी, पर साडे संत समाज ने एक ऐसा उपराला कर दिता, 12 साल बाद नहीं 12 महीनों बाद एक कुंभ दा मेला इत्थे लगा देंदे ने। सो गुरु प्यारी सा संगत जीओ, आप दे सहयोग दे नाल ए जम्मू कश्मीर तो जो इतिहास दमड़ी यात्रा शुरू हुई, बहुत प्यार दे नाल, शांति दे नाल आपने साथ दिता। हो सकता कईयां नूं कुछ मुश्किलां आईयां होण गईयां, क्योंकि असी हजारा ही लोग सां, हजारा ही संगतां सां, थोड़ी बहुती मुश्किल आ जांदी है। असी गुरु दे बदले हर एक मुश्किल नूं सहन करना है और नाम दे नाल अटुट प्यार रखना है। दास सारियां संगतां दा धन्नवादी है जिन्होंने ये जो महापुरशां दे चरणां च आ के अपनियां हाजरियां लवाईयां ने। इस तरह असी ये मैसेज घर घर पहुँचाना है और गुरु जी दे उपदेश नूं घर घर कहना है। सारियां संगतां नूं दास अज दे शुभ टाइम ते लख लख वधाई दिंदा है। जो बोले सो नर पै, रविदास महाराज।
जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास।